नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक MP3 ब्लूटूथ किट लगाकर एक वायरलेस म्यूजिक प्लेयर बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये ब्लूटूथ MP3 प्लेयर ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है, ऑक्सिलरी को सपोर्ट करता है, पेन ड्राइव और microSD कार्ड को भी सपोर्ट करता है। ये बैटरी से ऑपरेट होता है, इसलिए ये पोर्टेबल है, कहीं भी हम जाकर इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। हमें आवश्यकता रहेगी एक ब्लूटूथ MP3 डिकोडर की। इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अमेजन से आप इसे परचेस कर सकते हैं, ओपन मार्केट में भी ये अवेलेबल है। इसके साथ रिमोट और कनेक्टर्स आते हैं। हमें चाहिए रहेंगे 2 स्पीकर्स जो कि 8 ओम के हैं। ये हम किसी पुराने MP3 प्लेयर से, किसी पुराने ऑडियो सिस्टम या स्पीकर सेट से निकाल सकते हैं। ये एक कनेक्टर से जो MP3 डिकोडर के साथ आते हैं। और हमें चाहिए कि एक बैटरी जो मोबाइल की बैटरी है और कुछ चार्ज स्टोर करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। इसे हम पुराने मोबाइल फ़ोन से निकाल सकते हैं या नया बैटरी भी परचेस कर सकते हैं। ये एक एम्पलीफायर किट है दोस्तों। ये एम्पलीफाई करने आती है, ये MP3 डिकोडर से आए हुए आउटपुट को एम्पलीफाई करके स्पीकर में देगी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड लिंक दिया है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। हमें चाहिएगा एक PVC का बॉक्स, ये जो AC फिटिंग करने के लिए काम आता है, और इसके अंदर हम अपना MP3 प्लेयर फिट करेंगे, फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम PVC बॉक्स लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम मार्किंग लेंगे स्पीकर्स की। स्पीकर्स को कहाँ इस यहाँ पे फिक्स करना है उसकी मार्किंग हम यहाँ पर लेंगे और फिर इनको फिक्स करने का अरेंजमेंट करेंगे। एक पेन की मदद से हम यहाँ पर मार्किंग ले लेंगे जहाँ पर हमें होल करने हैं, और स्क्रू की मदद से इन मार्किंग मैंने ले ली है। और अब मैं सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पर जो है छोटे छोटे होल करने वाला हूँ, ताकि हम स्क्रू से स्पीकर सेट को यहाँ पर टाइट कर सकें। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक सफाई के साथ हम यहाँ पर छोटे छोटे होल कर देंगे इस गर्म सोल्डरिंग आयरन से दूसरे स्पीकर के लिए भी। हमने यहाँ पर 2 होल कर दिए। अब हम यहाँ पर स्क्रू की मदद से स्पीकर लगाएंगे इस प्रकार। यहाँ पर हमने ये स्पीकर रखा और एक स्क्रू की मदद से हम यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। सबसे पहले हम एक PVC बॉक्स पर हम एक लेआउट बना रहे हैं, कहाँ पर स्पीकर्स लगेंगे, कहाँ पर हमारी MP3 डिकोडर, और उसके बाद हम इनका कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे। सारे कंपोनेंट्स जो है अमेजन पर अवेलेबल है, ओपन मार्केट में भी आपको अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको लिंक दिए हैं, वहां से इनको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पहला स्पीकर लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर दूसरा स्पीकर लगा रहा हूँ। जैसे हमने पहला स्पीकर लगाया था उसी तरह दूसरा स्पीकर भी हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्रू ड्राइवर से इस प्रकार। और अब दोस्तों, हम MP3 किट जो है ये लगाने के लिए मार्किंग लेंगे, तो हमें यहाँ पर ये सेंटर में लगानी है। तो एक पेन की मदद से हम यहाँ पर मार्किंग ले लेंगे कि हमें ये कहाँ से कितना कट करना है, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही पतली स्ट्रिप्स है, तो बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी और MP3 किट इसमें यहाँ लग जाएगी। फिर भी इसे हमें सावधानी से लगानी है ताकि ये PVC ब्रेक ना हो जाए। एक हेक्सा ब्लेड की मदद से हम यहाँ पर कट करेंगे। अगर आपका PVC बॉक्स अलग प्रकार का है जिसमें पूरा जो है ये पैक है, तो उसमें आपको पूरा एक रेक्टेंगल कट करना रहेगा ताकि जिसमें MP3 किट आप लगा सकें। एक नोज प्लगर की मदद से मैं यहाँ पर इनको ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने स्पेस बनाई है यहाँ पर हमारी MP3 किट आसानी से फिक्स हो जाएगी। इसको मजबूती से लगाने के लिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जो है ग्लू गन फिक्स करके चिपका देंगे। ग्लू गन मैंने अभी ऑन नहीं की, तो इसे वार्म होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके मेल्ट करके ग्लू को यहाँ पर आपको MP3 किट चिपका के बता दूंगा।
तो यहाँ हमने सब जगह ग्लू पिघला के लगा दिया है और ये ग्लू सेटल हो जाए उससे पहले हम यहाँ पर ये किट फिक्स कर देंगे और इसको अब सफाई से अगेन सोल्डरिंग आयरन यूज करके जॉइंट को मजबूत बना देते हैं। ये जो हमारा है फ्रंट पैनल है MP3 प्लेयर का, इसलिए यहाँ पर सारा वर्क हमें सफाई से करना होगा। दोस्तों यहाँ हमने जो है फ्रंट पैनल पूरी तरह से डिजाइन कर दिया है और लेआउट बना दिया है, कहाँ पर क्या लगाया है हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी ये MP3 डिकोडर किट है इसमें जो कनेक्टर्स है उनका डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर चार पोर्ट का आप एक कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ एक दो पोर्ट का कनेक्टर है। ये जो चार पोर्ट का कनेक्टर है दोस्तों, ये एंटीना लेफ्ट और राइट और कॉमन के लिए है। यहाँ पर हमको जो है आउटपुट मिलेगा ऑडियो का। और ये जो है यहाँ पर हम लगाएंगे पावर कनेक्टर बैटरी के प्लस और माइनस। तो ये दो पोर्ट का जो कनेक्टर है ये है पावर कनेक्टर जो कि इस रेड वाले सॉकेट में मैं लगा रहा हूँ और ये दोनों वायर्स बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एक कनेक्टर आएगा चार पिन का, ये कनेक्टर इसमें जो रेड वाला वायर है ये तो एंटीना का है और बाकी जो तीन है वो ऑडियो के आउटपुट है जिसमें दोनों तरफ के जो वायर्स है वो लेफ्ट और राइट है और बीच वाला कॉमन है। ये इस डिकोडर के आउटपुट है लेकिन ये इनपुट में जाएंगे एम्पलीफायर किट में। इसमें ये दो वायर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक स्विच लगाने वाला हूँ क्योंकि हम MP3 डिकोडर को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे ताकि जब हमें ऑन करना हो तभी ये प्लेयर ऑन हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मार्किंग ले लेता हूँ इस स्विच के साइज की और फिर हम यहाँ पर इसे कट करके स्विच को यहाँ इस होल में फिक्स करेंगे। सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैंने यहाँ पर ये होल अच्छे से बना दिया है और अब यहाँ पर ये स्विच में फिक्स कर देता हूँ। और आइए अब हम इस स्विच की कनेक्शन करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो दो वायर है इनमें से एक वायर बैटरी के थ्रू आएगा जो इस स्विच के थ्रू आएगा। यहाँ पर हम इस वायर को सोल्डरिंग आयरन की मदद से फिक्स कर देंगे। इसे यहाँ पर लिया और सोल्डरिंग आयरन से यहाँ फिक्स कर दिया। और ये दूसरा वाला वायर है ये सीधा बैटरी में लगेगा और एक वायर इस बैटरी से स्विच की तरफ जाएगा। तो मैंने एक ये रेड कलर का वायर लिया है, इसे मैं स्विच पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर जो है पॉजिटिव सप्लाई लेकर आएगा बैटरी से और इसी रेड वायर के दूसरे सिरे को मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारी बैटरी है, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसे मैं यहाँ पर रख कर सोल्डर कर देता हूँ। बाकी जो बचा हुआ दूसरा वायर है दोस्तों, एक वायर को तो हमने स्विच से ले लिया है और दूसरा वायर जो है डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा इस प्रकार। और यहाँ पर ये स्विच की वायरिंग कंप्लीट हुई है। आइए हम ऑन करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। दैट्स इट, MP3 रिकॉर्डर को हमने पावर दे दिया है और अब हम इसकी आगे की वायरिंग देखेंगे। यहाँ पर जो ये आउटपुट के वायर्स है दोस्तों, ये इस एम्पलीफायर चिप के अंदर इनपुट के रूप में जाएंगे। आइए इस चिप से मैं आपको परिचित करवा देता हूँ फोकस करके। यहाँ पर दोस्तों जहाँ हम नीचे की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर जो तीन कनेक्टर्स है, यहाँ पर स्पीकर का लेफ्ट राइट और इनपुट है कॉमन का और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होगी। यहाँ पर लेफ्ट स्पीकर, यहाँ पर राइट स्पीकर कनेक्ट होगा। आइए देखते हैं। दोस्तों एम्पलीफायर चिप के सभी कॉन्टैक्ट्स पर मैंने वायर कनेक्ट कर दिए हैं और अब यहाँ पर MP3 डिकोडर से आने वाले आउटपुट के वायर में कनेक्ट कर रहा हूँ इस चिप के इनपुट में। तो यहाँ पर जो तीन वायर है एज इट इज ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर इस एम्पलीफायर किट के इनपुट में। कॉन्टैक्ट्स बहुत पास पास में, इसलिए हमें सावधानी से यहाँ सोल्डरिंग करनी रहेगी ताकि आपस में किसी प्रकार की शॉर्टिंग ना हो पाए।
और अब जो ये दोनों वायर्स है ये स्पीकर्स के हैं, राइट स्पीकर में कनेक्ट करेंगे और बाकी के दो वायर लेफ्ट स्पीकर में कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर 8 ओम के स्पीकर यूज किए हैं दोस्तों। 8 ओम के स्पीकर्स कम पावर कंजप्शन में सेम लाउडनेस बनाएंगे जितना 4 ओम के स्पीकर्स बना पाएंगे ज्यादा पावर कंज्यूम करने के बाद। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार और बाकी बचे हुए ये जो दो वायर है दोस्तों ये लगेंगे बैटरी में, पर बैटरी को हमें डायरेक्टली नहीं लगाना है, एक स्विच के थ्रू लगेगा एक वायर और दूसरा वायर डायरेक्टली बैटरी में लग जाएगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम इसमें डायरेक्टली सोल्डर कर देंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है ये ग्रीन वाला ये स्विच के थ्रू आएगा जैसे हमने MP3 डिकोडर को दिया था। तो सिमिलरली इसे हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने MP3 डिकोडर और एम्पलीफायर चिप का कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लूटूथ का निशान आ रहा है, मतलब हम ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें पेन ड्राइव और SD कार्ड से भी इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, ऑक्सिलरी भी चला सकते हैं। ये मोड बटन दबाकर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा MP3 प्लेयर कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी हमें इसमें बैटरी की चार्जिंग सर्किट की वायरिंग करनी बाकी है और इसे हम अच्छी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर आप मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं इस एम्पलीफायर किट को लगाने में तो इस पूरे वीडियो को कम से कम 3 या 4 बार आप इसे जरूर देख लें, उसके बाद आप मास्टर बन जाएंगे किसी भी स्पीकर सेट में ये किट लगाने के लिए। किसी पुराने DVD प्लेयर में भी आप इस किट को लगा सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में किस प्रकार हम बैटरी को चार्जिंग करने का सर्किट लगाएंगे और किस तरह से ये वायरिंग को हम व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो बिखरी हुई वायरिंग है उनको व्यवस्थित कर लेते हैं। उनको फिक्स करने के लिए, जैसा कि ये चिप हवा में झूल रहा है तो इसे हम थोड़ा फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी को यहाँ पर लगाएंगे हॉरिजेंटली, और इसको लगाने के लिए फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लू गन का। तो हम यहाँ पर मेल्टेड ग्लू थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और इस पर इस बैटरी को फिक्स कर देंगे। बैटरी को होल्ड करके रखेंगे जब तक ये ग्लू सेटल डाउन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों ये जो एम्पलीफायर चिप है इसको हम ग्लू गन की मदद से ही इस बैटरी के ऊपर चिपका देंगे। थोड़ा सा मेल्टेड ग्लू इस पर अप्लाई करेंगे और इस चिप को इस बैटरी पर लगा देंगे। अब यहाँ पर जो वायर्स है इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि चार्जिंग के लिए क्या करेंगे। चार्जिंग के लिए हम मोबाइल का चार्जर यूज़ करेंगे जो कि 5 वोल्ट का होता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक USB केबल जो डाटा केबल होती है, और डाटा केबल का दूसरा एंड जो हमने कट कर दिया है और उससे आने वाले ब्लैक और रेड वायर पर ये प्रॉब्स लगा दिए हैं। इन प्रॉब्स की मदद से हम इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे इन कनेक्टर के थ्रू। इस तरह से ये कनेक्टर इन प्रॉब पर लग जाएंगे और बैटरी को चार्ज कर देंगे। और एक LED हम लगाएंगे जो चार्जिंग इंडिकेशन और पावर ऑन इंडिकेशन देगी। दोस्तों हम इन कनेक्टर्स को यहाँ पर लगाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्रंट पैनल में कई सारे होल है तो इन्हीं होल्स में हम इन कनेक्टर्स को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनको जो है थोड़ा सा खोल देते हैं और अब हम यहाँ पर इन जो होल्स है इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। और एक और हमें चार्जिंग LED लगानी है तो उसके लिए भी एक और होल हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो ये छोटा सा होल ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि इसमें LED फिक्स हो जाए। ये हमारी LED है, डुअल कलर LED है जो चार्जिंग के लिए अलग कलर शो करेगी और पावर ऑन के लिए अलग कलर शो करेगी। और यहाँ पर ये दोनों सॉकेट जो हैं चार्जिंग के कनेक्टर्स हम यहाँ पर लगा देंगे और इनको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। वायरिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें सावधानी से इसे लगाना रहेगा ताकि कोई वायर जो है टूट ना जाए। और इस प्रकार हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसको थोड़ा टाइट कर देंगे कनेक्टर्स को अच्छी तरह से। और अब इसके जो कॉन्टैक्ट है इस पर हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे जो बैटरी को चार्ज करने जाएंगे।
लेकिन बैटरी के जो चार्जिंग के वायर है वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल हम सीधा बैटरी पर कनेक्ट कर देंगे इस सॉकेट से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर हम लगाएंगे एक डायोड। डायोड जैसा कि आप जानते हैं कि वन वे बनाने के लिए काम आता है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। ये जो रेड वाला वायर है दोस्तों, ये है एंटीना का वायर, ये बार बार बीच में आ रहा है, इसको टाई करके थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एक डायोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे, डायोड जो कि वन वे बनाने के काम आता है। ये रहा हमारा डायोड, और डायोड को इस प्रकार लगाएंगे कि इस डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रहेगा इस सॉकेट पर, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रहेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो इसको थोड़ा सा इसके लेग को शॉर्ट कर देते हैं, और एक सोल्डरिंग आयरन से हम इसको अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मेल्ट करके हम यहाँ पर सोल्डर लगाते हैं। ओके, नाउ इस डायोड को यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा सोल्डर दूसरे कनेक्टर पर भी लगाएंगे नेगेटिव के लिए। और अब हम एक वायर को यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं, और इसका जो दूसरा वायर है वो लगेगा डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर, और अब ये दोनों वायर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे डायरेक्टली, ये स्विच के थ्रू नहीं जाएंगे। तो ये ब्राउन वायर जो है डायोड से आ रहा है, तो इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है अच्छी तरह से, और दूसरा वायर जो नेगेटिव से आ रहा है तो उसे हम इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर सोल्डर कर देंगे इस प्रकार। अब देखते हैं कि जो एलईडी है ये चार्जिंग पर अलग कलर इसे देना है, तो हमने जो डुअल कलर एलईडी यूज की है इसके अंदर एक तो कॉमन का वायर है बीच में, जिसे हमने एक रेसिस्टर के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, और जो दूसरा वायर है, दो पॉजिटिव वायर है इस एलईडी में, तो एक पॉजिटिव वायर को हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों, देखिये डायोड से पहले, जो डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट हो रहा है, डायोड के बाद नहीं, डायोड से पहले इसे हम यहां कनेक्ट कर रहे हैं। और इस एलईडी का जो अगला पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है इसमें, एक तो हमने वहां चार्जर पर कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा पॉजिटिव जो है वो हम कनेक्ट करेंगे इस स्विच पर जहां ये बैटरी से कनेक्ट होगा, जहां पर हमने MP3 डिकोडर और एम्पलीफायर को कनेक्ट किया था, वहीं पर हम इस एलईडी को भी कनेक्ट करेंगे इस प्रकार। अब इसे ऑन करके देखते हैं दोस्तों। तो ये ऑन होने पर देखिए एलईडी ग्रीन कलर का शो हो रहा है दोस्तों। इसके साथ ही हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक कनेक्टर और एक एक वायरिंग स्ट्रक्चर को समझाने की, बहुत ही आसान है। अगर आप वन बाय वन अगर हर एक वायर को देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल में हमेशा आपके अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सअप पर मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको करता हूँ। और इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से एक अच्छा सा MP3 प्लेयर बना दिया है, जो ब्लूटूथ से चलेगा, जो वायरलेस है, जिसमें बैटरी लगी हुई है, रिचार्जेबल है और पोर्टेबल है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑन हो गया है, इसे हम यहाँ रखेंगे और मोबाइल से हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने ब्लूटूथ इनेबल किया, सेटिंग्स में जाएंगे, ये जो डिवाइस दिखाई दिया यही हमारा ब्लूटूथ है, पेयर हो चुका है। और अब इसके बाद मैं आपको म्यूजिक प्ले करके बताऊंगा। Oh.
दिखाऊंगा। Play by USB drive. दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्जिंग किस तरह से काम करती है। और ये चार्जिंग की जो लीड्स है दोस्तों, ये दोनों प्रोब मैं आपको इस कनेक्टर में लगाता हूँ, ब्लैक वाला ब्लैक में और रेड वाला रेड में। जैसा कि हम जानते हैं, रेड वाला पॉजिटिव सप्लाई लेके आएगा चार्जर से और ब्लैक वाला नेगेटिव लेके आएगा। और अब मैं ऑन किया पावर, तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ऑरेंज है। तो जब ये चार्ज होगा, बैटरी को चार्ज करेगा, तब इसका कलर ऑरेंज रहेगा, और जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे तब ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से डुअल डुअल इंडिकेशन हमको देगी। दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।